पिक्चर बहुत अच्छी माउंटेड है, इट्स अ वेरी बिग फिल्म एंड और देखिए कि इंडिया में भी ऐसी हॉलीवुड टाइप की पिक्चर बन सकती है। तो दोस्तों, करण जौहर के बाद हमें एक बार फिर से राकेश रोशन और सलमान खान की जोड़ी एक साथ दिख सकती है। जी हां, सलमान खान की फिल्म सिकंदर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच फैंस के लिए खुशखबरी है कि सलमान खान के हाथ नई एक्शन फिल्म लग गई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्शन स्टार सलमान खान की साल 2024 में अब तक एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। अभी सलमान खान की पाइपलाइन में कई फिल्में हैं। फिलहाल अगले साल सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज होने वाली है। इसी बीच खबर आ रही है कि सलमान खान के हाथ एक और फिल्म लगी है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सलमान खान अपनी इस फिल्म में एकदम नए अवतार में नजर आएंगे। सलमान खान के तमाम चाहने वाले फैंस इस खबर से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। आइए जानते हैं कि सलमान खान की नई फिल्म को लेकर क्या क्या जानकारी सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, एक बार फिर करण अर्जुन के बाद हमें बॉलीवुड के भाईजान और दिग्गज डायरेक्टर राकेश रोशन एक बार फिर से साथ दिखाई देने वाले हैं। जी हां, वो भी एक धमाकेदार हिस्टोरिकल फिल्म में। जी हां दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे पॉपुलर एक्टर है तो वो सलमान खान है। और जब से सलमान खान ने एक्शन मूवीज में अपना जलवा दिखाया है, तब से इनके साथ बॉलीवुड का हर एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करना चाहता है। इतना ही नहीं, सलमान खान को कई मूवीज के ऑफर मिल चुके हैं। बड़े फिल्म ऑफर की बात करें तो किक टू बब्बर शेर, भंसाली की मूवी इंशाल्लाह, दबंग 4 और शेर खान ऐसी कई फिल्में हैं। वहीं अब इसी बीच खबर है कि राकेश रोशन के पास एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म की स्क्रिप्ट है, जिसके लिए वो सलमान खान को कास्ट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि राकेश रोशन और सलमान खान एक हिस्टोरिकल मूवी बनाने वाले हैं जो एक योद्धा पर बेस्ड है। लेकिन दोस्तों, ये एक यूजर के मन की बात है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि राकेश रोशन के पास कौन सी वो हिस्टोरिकल स्टोरी यानी स्क्रिप्ट है जिसके लिए उन्होंने सलमान खान से संपर्क किया है, ऐसी खबरें हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राकेश रोशन और सलमान खान को एक साथ एक फिल्म करने चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।